हाई एवरी वन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो टाइटल से देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो अभी रिसेंटली मेरा बहुत ही वियर्ड सा एक्सपीरियंस हुआ है रूस्टोन ज्वेलरी के साथ, जो कि ऑनलाइन गोल्ड एंड डायमंड की ज्वेलरी सेल करते हैं। काफी सारी जगहों पे इनके फिजिकल स्टोर्स आ चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बहुत बेसिक सी बात कर लेते हैं। मेरे पास इस तरीके के क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं कि हमको किस तरीके की ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन शॉप से लेना वर्थ इट है कि नहीं है। इसी वीडियो में मैं कैरेटलेन एंड ब्लूस्टोन को भी कंपेयर करूंगी, साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। यस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ना एक बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन बता देती हूँ 22 कैरेट्स, 18 कैरेट्स और 14 कैरेट में। वैसे तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट्स होता है, बट उसमें ज्वेलरी बनती नहीं है क्योंकि जितना ज्यादा प्योर होता है उतना जल्दी जो गोल्ड होता है ना वो आराम से बेंड हो जाता है, टूट सकता है शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे इतना नॉलेज नहीं है 24 कैरेट का, बट उसमें शायद से रॉ फॉर्म के जो बिस्किट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। नाउ कमिंग टू द 22 कैरेट्स, तो 22 कैरेट्स में ज्वेलरी भी बनती है, 22 कैरेट्स में कॉइन्स भी बनते हैं, 22 कैरेट्स में काफी सारी चीजें बन जाती हैं। दिस इज अगेन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड एज वेल 916, बट 22 कैरेट में कभी भी डायमंड को नहीं लगाया जाता है। उसके बाद आते हैं 18 कैरेट में, जिसमें सबसे ज्यादा ज्वेलरी बनी जाती है, सबसे ज्यादा प्रिफर्ड कैरेट ऑफ ज्वेलरी है ये। तो 18 कैरेट में आप ये जो दिखते हैं ना, जितने भी रोज गोल्ड कलेक्शन हो गया, उसके बाद जितना भी डायमंड, प्योर डायमंड की बात कर रही हूँ मैं, जितना भी डायमंड कलेक्शन होता है वो सब 18 कैरेट में बनता है। गोल्ड की प्योरिटी है दैट इज ओनली 18 कैरेट, और बाकी का ये लोग मेटल लगा करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्टर्डी बनाते हैं। 14 कैरेट में अब क्या हो गया, गोल्ड की प्योरिटी है दैट इज ओनली 14 कैरेट, और बाकी ये लोग क्या करते हैं, दूसरे मेटल लगा करके उसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले रहे हैं, आपके पास अमाउंट अच्छा खासा है, आई विल highly recommend you to go for 22 carats, उससे कम में नहीं मत लीजिए। अब आपको डे टू डे वेयर में पहनने के लिए ज्वेलरी चाहिए, आपको अच्छा सा डायमंड का कुछ चाहिए, वो सब फिर 18 या 14 कैरेट में ही बनती है। अब 14 में बनने लगी है, बट मोस्टली 18 में सब चीज़ें बन जाती हैं। तो जो डेली वेयर की होती हैं वो आप 18 कैरेट्स में डेफिनेटली ले सकते हैं। चलिए आते हैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, उसके बाद की बाद में आगे की चीज़ें बताऊंगी। तो ये थोड़ा स्टोरी टाइम होने वाला है, लंबा वीडियो रहेगा, मैं एक एक चीज़ इंक्लूड करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे काफ़ी पुराने फॉलोअर हैं, नहीं भी हैं, नए भी हैं, तो मैं एक थोड़ी सी स्टोरी आपको इसके पहले बता देती हूँ। तो आपको पता होगा कि मैं शादी के आई थिंक बाद से ही मुझे हैंड मंगल सूत्र पहनना इस हाथ में बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैं ऐसे लोकल ज्वेलर से कस्टमाइज़ करवा लेती थी, जो पतला सा गोल्ड का तार होता है ना उसमें डलवा डुलवू करके जुगाड़ करवा के मैंने बनवा के रखा था। क्योंकि उस टाइम शादी का जस्ट नई शादी हुई थी, हम लोग हमारा घर सेट कर रहे थे, तो आई वॉज अर्निंग दैट टाइम एज वेल, बट माई मेन प्रायोरिटी दैट टाइम वॉज कि मेरे को पहले अपने घर की चीज़ें जो जरूरत की है वो खरीदनी है, उसके बाद फिर गोल्ड वोल्ड में देखा जाएगा। वो मेरा टूट गया था, तो मैंने कहा चलो अब एक अच्छे से सॉलिड गोल्ड के हैंड मंगलसूत्र में, मुझे डायमंड का चाहिए, तो उसमें मैं इन्वेस्ट करती हूँ। मैंने सबसे फर्स्ट जो अपने डायमंड का हैंड मंगलसूत्र परचेस किया था, वो परचेस किया था कैरेट लेस। विक्की ने स्ट्रिक्टली मना किया था, उसको तो बिल्कुल नहीं पसंद आया था। उसने मुझे बोला था ये क्या है, मतलब वो इस तरह की छोटी छोटी ज्वेलरीज को मेरी ज्वेलरी को बोलता है क्या है, पुदरू पुदरू सी चीज़ें लेती रहती हो, टूटती रहती है, लेती रहती हो, टूटती रहती है, फिर बनवाने जाती रहती हो। ये मैंने बहुत किया है स्टार्टिंग में, है ना, नया नया जोश था, नया नया गोल्ड खरीदना स्टार्ट किया था, मुझे ऐसा लगता था मैं अपने हिसाब से ही सब खरीदूंगी। तो मुझे विक्की ने लिटरली बहुत मना किया था कि मत परचेस करो, उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था ये ऑनलाइन शॉप वगैरह का कंसेप्ट गोल्ड का। उसने मुझे अच्छी जगह से कस्टमाइज करा लो, अदरवाइज तनिष्क से ले लो, तनिष्क से लेने के लिए कोई मना नहीं करता है, बट यहाँ से वो मना कर रहा था। मैंने बोला अरे नहीं नहीं, दिस शॉप इज पार्टनर्ड बाय तनिष्क, ट्रस्टवर्दी होगी। तो मैंने ट्रस्टवर्दी है भी, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फ्रॉड शॉप है, डेफिनेटली अच्छी शॉप है। तो मैंने वहाँ से वो हैंड मंगलसूत्र परचेस किया, एंड विद इन आई थिंक 4 मंथ्स में मेरा जो फर्स्ट टाइम है वो टूटा। तो ठीक है, मैंने शॉप पे दिखाया अरे ये टूट चुका है, 15-20 डेज लगे, वापस उसको दिया और फिर वो होकर के ठीक होके आ गया। एंड 2 मंथ्स अगेन वो टूट गया। अब पता नहीं, मैं वो शॉप वाला मुझसे पूछता है मैडम आप ऐसा क्या काम करती है कि आपका हैंड मंगलसूत्र टूट जाता है। मैं सारी DIY VIY सब अपने हाथों से ही कर रही होती हूँ, तो शायद आई डोंट नो। वो मुझे बोलते हैं तब तक नहीं टूट सकता है जब तक आप किसी चीज़ से ये उलझा ना हो। मैंने बोला नहीं, ये उलझा तो किसी भी चीज़ से नहीं है, बस ये टूट रहा है। मतलब मैं ये पूछ के लेती हूँ सामने वाले से कि ये डेली रफ एंड टफ में पहन सकती हूँ कि नहीं पहन सकती हूँ। उसके बाद सेकंड टाइम मैंने उसको ठीक कराया, थर्ड टाइम फिर, मतलब इस पूरे टाइम पीरियड में 1 साल हो चुका था, फिर से टूटा। तो उसका जो एक पार्ट था वो मुझे कहीं घर पे मिला नहीं। पता नहीं पुराने लोग ऐसा बोलते हैं कि गोल्ड घूमना भी अच्छी चीज़ नहीं होती और गोल्ड अचानक से मिलना भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। शायद ही उन्होंने इस कंसेप्ट से रूल निकाला हो ताकि कोई भी इंसान अपना गोल्ड घुमाए ना और किसी को किसी
किसी और का गोल्ड मिले तो वो उसको वापस कर दे, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, ऐसा बोलते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं, अशुभ होता है। झाड़ू लगाना स्टार्ट किया कोने कोने में और जैसे तैसे करके वो मिल गया। कोविड के टाइम की बात है आई थिंक, इस बीच में ये कम से कम ये सिलसिला चलता रहा। हर 3 से 4 महीने में वो टूटता था और मैं उसको ठीक कराती थी और ये चलता रहा, तमाशा पूरा चलता रहा। और विक्की सबका देखता हुआ, कुछ बोला नहीं, वो कहता चलो ठीक है, इसने ही खरीदा है और जिद कर पे अपनी जिद पे खरीदा है तो भुगतने दो। अब क्या हुआ नेक्स्ट, उसके बाद मैंने इसको अपग्रेड किया, मैंने कहा इस पीस को मैं चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने इसको चेंज वेंज करा, मैंने कहा चलो ठीक है, ये वाला थोड़ा हमने हैवी कर लिया इसको, शायद अब ये नहीं टूटेगा। जैसे ही वो दूसरा लिया है, आई थिंक 2.5 या 3 मंथ हुए होंगे, मैंने इसका व्लॉग भी बनाया था और वो मेरा अगेन सेम जगह से टूटा फिर से। फिर तो भाई मतलब मैंने बोला अब मुझे, भले मैं लॉस में भी जाती हूँ, मुझे इसको रिटर्न करके अपना मनी बैक चाहिए और उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से दूसरा खरीदूंगी या बनवाऊंगी, वॉट एवर इट इज। जो ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप्स हैं इनकी डिजाइन बहुत फैसिनेटिंग होती है, वही देख करके आप फिसल जाते हो। जोश में मैंने कहा चलो ठीक है, पैसे वैसे मिल गए, मैं थोड़ा लॉस में भी थी ऑब्वियसली, 2,500 लॉस में थी मैं उसमें, बट मैंने कहा मुझे अब इनका से लेना ही नहीं है। तब तक मैं ऑलरेडी 2 या 3 ज्वेलरी ले चुकी थी कैरेट लेन की, ठीक है वो लाऊंगी कभी। मैंने कहा चलो ब्लू स्टोन ट्राई करते हैं। तो मैंने फिर ये वाला जो हैंड मंगल सूत्र है वो परचेस किया। आई बॉट दिस वन ऑन 19 May 2021, जो उसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली था, वैसे ये 39056 का था। वेट था 5.41 grams, 18 कैरेट था ऑब्वियसली। मेकिंग चार्जेस है वो है 4354 एंड जो GST मैंने दिया था वो है 1081 एंड जो टोटल साइज है वो 6 inches था। वेट 29,873 इस हैंड मंगल सूत्र के लिए। पहना इसको मैंने अच्छा खासा, 2022 तक पहना है पूरा। 2022 में जब हमारे घर का काम स्टार्ट हो गया था, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो गया था ना, उसके बाद क्या हुआ ना, आई थिंक मेरा कुछ काम कर रही थी मैं या क्या हो रहा था, ये यहाँ साइड से एक, दो नहीं, दो स्ट्रिंग्स होते हैं वो नहीं, ये सिर्फ साइड से एक हल्का सा टूट गया था। तो मैंने इनके ब्रांड वालों से कॉल करके पूछा तो उन्होंने मुझे बोला 30 days लग सकते हैं, 25 to 30 days लग सकते हैं। एंड क्योंकि उस टाइम हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मुंबई भोपाल कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार अभी मैं इसको कहाँ भेजूँगी, कहाँ ये आएगा। तो उस सब कियोस्क में मैंने कहा अभी इसको एक काम करती हूँ, मैं लोकल, मेरा जो ज्वेलर है भोपाल में उनके पास मैं लेके गई। तो उनने एक तार होता है, गोल्ड का तार नहीं था वो, किसी और चीज़ का था, उस तार से इसको अच्छे से फिक्स कर दिया था। आई थिंक 2-3 months बाद ये दूसरे तरफ से टूट गया, तो फिर निकाल के रख ही दिया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत हम उस टाइम पे घर का काम चल रहा था। तो मैंने सोचा यार ये कंस्ट्रक्शन में, ट्रैवलिंग में कहीं गिर जाएगा, इससे बेटर है कि मैं इसको रख देती हूँ। तो इतने दिन से वो पड़ा ही हुआ था मेरे पास, अभी तक पड़ा ही हुआ था। फिर तो आपको पता ही है पूरी स्टोरी, बैक टू बैक क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एक दिन अपना सामान देख रही थी तो उसमें मुझे वो हैंड मंगल सूत्र दिखा, तो मैंने कहा चलो देखते हैं इसको क्या कराना है, ठीक कराना है या इसको एक्सचेंज करना है या क्या करना है। तो मैंने इसका प्राइस चेक किया, तो जब मैंने इसका प्राइस चेक किया, मैंने ये परचेस किया था 29,000 में एंड करंटली इसका जो प्राइस था वो 49,770 दिखा रहा था मुझे, मतलब कि 20,000 रुपये का डिफरेंस। वाह यार, फ़ायदे में जा रहे हैं बिल्कुल, है ना। फटाफट ये चीज़ विक्की को बताई, मैंने बोला मैं सोच रही हूँ मैं इस हैंड मंगल सूत्र को चेंज करने वाली हूँ। तो विक्की बोला क्यों चेंज करना है, मैंने कहा इसका प्राइस बढ़ा, बहुत सारा बढ़ गया है। मैंने कहा मैं इसको चेंज करती हूँ और मैं अपने हिसाब से कोई अच्छी सी रिंग ले लेती हूँ, थिक सी पेंडेंट ले लेती हूँ या इयररिंग ले लेती हूँ, इनमें क्या होता है टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। हैंड मंगल सूत्र तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको बनवाऊंगी अपने हिसाब से, पुश नहीं करता मुझे चीज़ों में उसको। अब ये चीज़ पता है बहुत अच्छे से कि नाउ आई मेक गुड डिसीजंस, अब भुगत चुकी हूँ तो उसको पता है कि अब मैं गलत डिसीजंस नहीं लेती हूँ। तो सुना ठीक है एज यू विश करना है कर लो, मैं उसको बताती हूँ सारी चीज़ें। भोपाल में है ब्लू स्टोन तो वहाँ विजिट करके आते हैं। अब हम लोग वहाँ गए और मैंने उनको बोला कि मुझे इसको रिटर्न करना है, तो आप मुझे इसकी रिटर्न वैल्यू भी बताइए और साथ ही साथ आप मुझे इसकी एक्सचेंज वैल्यू भी बताइए। एक्सचेंज में मैंने एक दो अच्छी मोटी सी रिंग पसंद करके रखी थी गोल्ड की प्रॉपर, मैंने कहा मैं वो उसमें चेंज कर लूँगी या फिर मैं एक पेंडेंट भी मैंने पसंद करके रखा था, मैंने कहा तो फिर मैं डायमंड का एक पेंडेंट ले लूँगी। तो उन्होंने मुझे प्राइस बताया जो एक्सचेंज वैल्यू का वो था 28,000 और उन्होंने जो मुझे रिटर्न वैल्यू का प्राइस बताया वो था 27,000। ये देख करके मेरा दिमाग घूम गया 2 मिनट के लिए। तो मैंने उनको बोला अब आप मुझे एक्सप्लेन करिए कि ये कैसे प्राइस ब्रेकअप आपने किया है। मैंने उनको ये बताया मैंने ये मई में परचेस किया है 2021 में, अभी 2023 चल रहा है, 2 साल हो चुके हैं, क्या 2 साल में गोल्ड का वैल्यू नहीं बढ़ा? आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि उस टाइम पर जब मैंने लिया था उस टाइम पर गोल्ड का वैल्यू ये मेरे पास प्राइस ब्रेकअप है ये था, अभी कितना हो गया है उसका बढ़ के, और जो डायमंड का वैल्यू है वो उस टाइम पर इतना था और अभी कितना
हो गया, आप मुझे ये बताइए। मेरी मम्मी इन सब में तमाशा पूरा देख रही थी, मेरी मम्मी चुपचाप बैठी थी। सर्वर आए, इंक्लूड हुए, उन्होंने सारी चीज़ें समझाई बाद में कि आपका जो GST है, आपका जो मेकिंग है वो डिडक्ट होगा ही होगा, है ना। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने चलो मेकिंग दिया 4,500 रुपये और 1,100 रुपये या 1,000 रुपये मैंने आपका GST दिया है, तो टोटल हो गया 5,500 रुपये। अभी की जो करंट वैल्यू है दैट इज़ 449,000 या 48,000, ये भी बढ़ गई है। 48,000 जब मैं गई थी लेने के लिए तब आई थिंक 47-46 कुछ था, तो मैंने कहा अभी की जो वैल्यू है वो 46 दिखा रहा है, 46-45, एंड मेरे अगर आप उस अमाउंट में से माइनस भी करते हो चलो 5,000 रुपये तो भी मैं बेनिफिट में रहती हूँ, मैं कैसे लॉस में जा सकती हूँ। फिर उन्होंने फिर कैलकुलेशन, उनके इधर फ़ोन किया उधर फ़ोन किया, बहुत सारे फ्लॉज एंड डिफेक्ट्स थे, पता नहीं कंपनी मैनेजमेंट में दिक्कत थी, ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी जा रही थी, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था मुझे समझाना, आई डोंट नो, बट आई वॉज रियली पिस्ड। मुझे पूरा बाइफोकेशन करके दिया, मैंने जो गोल्ड का अमाउंट पे किया था दैट वॉज 22,600 और अब वो बढ़ के 25,600 हो गया है, और जो मैंने डायमंड का अमाउंट पे किया था वो था 6,144 एंड अब वो बढ़ के हो गया है 8,000 समथिंग। बाकी जो मेरा मेकिंग है, जो मुझे डिस्काउंट मिला, जो मैंने GST दिया, वो सब कट गया, तो वो कट कुट हो करके मेरा इतना अमाउंट आ गया था। अब जाकर के मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ और मैंने बोला एक काम करती हूँ, मैं इसको रिटर्न तो नहीं करूँगी क्योंकि रिटर्न में मैं और लॉस में जा रही थी, 10% मेरा पूरा डिडक्ट हो जाता। तो मैंने कहा अभी फॉर नाउ मैं एक काम करती हूँ, उसको ऐसी चीज़ में एक्सचेंज कर लेती हूँ, ये मुझे बस ये रहे कि वो टूटे ना। गोल्ड ऐसी चीज़ होती है कि अगर अनटिल अनलेस आपको बहुत नीड ना हो तो उसको आप चेंज ना, मतलब रिटर्न ना ही करें, अपने पास ही रखें। मैंने जो रिंग पसंद करी 47-48 के हिसाब से गई थी, तो मैंने रिंग भी बढ़िया ज़बरदस्त 50,000 की पसंद करके रखी थी गोल्ड की। मुझे एक पेंडेंट पसंद आ रहा था, ऑब्वियसली मुझे थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ा इसका, जो यार थोड़ी ऐसी चीज़ ले रही थी जो मैं पहनूं भी, तो मैंने एक अच्छा सा पेंडेंट ले लिया डायमंड का। दिस इज द पेंडेंट विच आई बॉट, ये चेन मेरी है, पेंडेंट सिर्फ दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके की मेरे पास एक रिंग भी है और इस तरीके के मेरे पास इयररिंग्स भी हैं, तो उससे मैच हो रहा था ये, इसलिए मैंने ये लिया। तो मैंने सोचा एक सब सेट हो जाएगा पूरा तो। और हाँ, और दूसरी चीज़, अभी का जो करंट प्राइस है वो इतना हाई इसलिए है इस हैंड मंगलसूत्र का, क्योंकि इसकी जो मेकिंग है वो आप सुनोगे ना तो बहरा जाओगे सुन करके। इसका मेकिंग चार्जेस है करेंटली 12,404, मतलब 12,500 आप मान के चलो, इसलिए इसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जो है वो मात्र 3,000-4,000 बढ़ा है, इतना गोल्ड तो लगा नहीं है उसमें, और जो डायमंड का प्राइस भी है वो तो खैर इतना तेज़ी से बढ़ता ही नहीं। बाद में कभी इस पर डिस्काउंट भी आएगा ना तो मेकिंग चार्जेस पर डिस्काउंट लगा देंगे। वियर्ड कैलकुलेशंस के थ्रू अप एंड डाउन किया जाता है सेल्स पे, तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि आगे मैं फ्यूचर में कभी इन ज्वेलरी स्टोर्स पर इन्वेस्ट करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ इनसे चीज़ें लेने का, जिसको मैं लेके अभी रिग्रेट करती हूँ। फ्रेंडली किसी स्टोर से परचेस करना भी है तो आई विल रेकमेंड यू मिया। कैरेट लेन पे भी भले ही तनिष्क का नाम लगा के रखा हुआ है उन्होंने, बट तनिष्क वाले कभी भी कैरेट लेन की कोई ज्वेलरी की गारंटी वारंटी कुछ नहीं लेते हैं। लेन की ज्वेलरी आप कभी भी तनिष्क में रिटर्न एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, तो आई डोंट नो ये किस तरीके की पार्टनरशिप है इन लोगों की, बट मिया की ज्वेलरी जो है तनिष्क लेता है और तनिष्क की ज्वेलरी जो है मिया लेते हैं। सो बेसिकली आई थिंक मिया इज द चाइल्ड ब्रांच ऑफ तनिष्क एक्चुअल वाला, सो यू कैन बाय डेफिनेटली फ्रॉम मिया। और उन लोगों की डायमंड क्वालिटी, मतलब अभी तक मैंने जितने भी जगहों के डायमंड्स ट्राई करे हैं हमें, मतलब आप सबको पहनते जाओ, थोड़े टाइम के बाद ना इनकी जो शाइन होती है, इवन गोल्ड की मैं बता रही हूँ, गोल्ड की शाइन में भी ना बहुत एक डलनेस टाइप की आ जाती है, डायमंड की तो आप बात ही मत करो। जो तनिष्क का डायमंड ग्लो करता है ना, मतलब आफ्टर इवन 1 ईयर एज वेल, वो कोई और की क्वालिटी में मैंने देखा ही नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है तनिष्क भले ही मेकिंग चार्जेस बहुत हाई लेते हैं, बट वो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको डिलीवर करते हैं। तो अगर आप डायमंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई हाईली रेकमेंड यू तनिष्क ओनली। बाकी फिर आप गोल्ड तो देखो लोकल ज्वेलरी से भी ले सकते हो अगर हॉलमार्क अप्रूव्ड है तो। बाकी जो कैरेट लेन है उस इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट क्या बोलूँगी मैं, मनी वेस्ट बोलती हूँ उसको, वो मैंने ये वाली चेन परचेस करी थी। दिस इज़ द चेन, ओके, एंड ये 18 कैरेट है। उस टाइम पे मैंने इसके पे किए थे 42,000 और उसी के आई थिंक जस्ट 2 महीने बाद मेरी एनिवर्सरी, तो विक्की ने मुझे एक रिंग गिफ्ट करी थी जिसकी मैंने एक रील भी बनाई हुई है। वो रिंग भी 18 कैरेट में थी जो कि पूरी टेढ़ी हो गई थी पहन पहन करके। ऐसा लगता है जैसे 14 कैरेट कैसा होता है, शाइनिंग कम होती जाती है, एकदम डल सा हो जाता है ना, ये वैसा हो चुका है। कैरेट लेन है उसकी भी मेरे पास 3 चीज़ें हैं, एक तो ये तो है ही, ये तो शायद मैं कभी चेंज नहीं करूँगी, बड़े प्यार से पहनती हूँ बिकॉज इसके पीछे की एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है और इसको मैं थोड़ा सा एक कुछ अपना चार्म टाइप का भी मानती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग इस रिंग को भी पूछते हैं कि ये भी आपकी कैरेट लेन की रिंग है? नहीं, ये कैरेट लेन की नहीं है, ये तनिष्क की है और ये डिज़ाइन बहुत कॉमन है, आपको हर ब्रांड्स में ही मिल जाएगा इस तरीके का बैंड। ज़्यादा डायमंड्स लेना है नहीं क्योंकि मेरे पास इनफ
जो भी छोटी मोटी पहनने की चीज़ें हैं जो आपको पसंद आती है डेंटी डेंटी, वो सब मेरे पास ऑलरेडी है। मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए भी होती है तो मैं उसको बनवाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। कंपैरिजन भी मैंने आपको बता दिया कि कैटलिन ज़्यादा बेटर है या ब्लू स्टोन ज़्यादा बेटर है, सब एक जैसे है। और मेरे को कोई ऐसा इन ब्रांड्स के साथ वो नहीं है, डेफिनेटली इनके प्रोज भी हैं। इनका प्रो सबसे बड़ा ये कि इनकी जो डिज़ाइन होती हैं वो बहुत क्लासी एंड डेंटी होती है, जो पसंद आती है एक्चुअली में लड़कियों को, तो डेफिनेटली वो एक इनका बहुत प्लस फैक्टर है। एंड बाकी तो देखो यार ठीक है, बाकी सबका अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जो एक्सपीरियंस फील किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो हो सकता है किसी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो मैं अब इसी कंक्लूजन पे हूँ। फॉर डायमंड आई ओनली गो फॉर तनिष्क, एंड फॉर गोल्ड आई गो फॉर तनिष्क, मलाबार, पीसी ज्वेलर्स वगैरह। ये तो फिर देखो गोल्ड तो ऐसा 22 कैरेट्स काफ़ी सारे शॉप्स का बहुत अच्छा रहता है, मैं सिर्फ मैं यहाँ स्पेसिफिकली डायमंड की बात कर रही थी। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपने भी इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस फेस किया है किसी ब्रांड के साथ तो डेफिनेटली कॉमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।